Hey guys and hope you all are doing well. मैं हूं आप लोगों का होस्ट सुनीता। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कैनन का R6 Mark II लेना चाहिए या निकॉन का न्यूली लॉन्च Z6 Mark III। देखिए दोनों ही कैमरास काफी कमाल के हैं। निकॉन अभी जस्ट एक वीक पहले ही इंडियन और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है। कैनन का जो कैमरा है 2022 में लॉन्च हुआ था, 2 साल पुराना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। निकॉन में वीडियो को लेके बहुत सारे फीचर डाल दिए हैं और कैनन में भी इवन 4K 60 फ्रेम्स तक का रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। तो कैनन और निकॉन में दोनों में ही प्राइस भी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों लगभग सेम 2.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। अब इस सीजन में, आने वाले सीजन में आपको निकॉन लेना चाहिए कैनन, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहा होगा। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो निकॉन और कैनन के दोनों ही कैमराज मिररलेस सेगमेंट में आते हैं। निकॉन Z6 Mark III इज ऑल्सो मिररलेस जो कि जेड माउंट पे आता है, और कैनन R6 Mark II इज ऑल्सो मिररलेस जो कि RF माउंट में हमें देखने को मिलता है। दोनों ही कमाल के जो है वो फोटो फीचर्स को लेकर के आते हैं। जैसे निकॉन में 25 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन वाला स्टैक सीमोस सेंसर देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का पहला बजट अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आने वाला स्टैक सीमोस वाला कैमरा है। स्टैक सीमोस सेंसर ना आपको ना ही सोनी में देखने को मिलता है इस प्राइस में, और ना ही कैनन में। कैनन में और सोनी में दोनों में हमें सेंसर नहीं मिलता। 24 मेगापिक्सल का कैनन का कैमरा है रेजोल्यूशन वाइज। दोनों की प्राइस रेंज की अगर बात करें तो लगभग सेम प्राइस में आते हैं, 2.5 लाख वाला प्राइस रेंज का बैकेट है दोनों का। निकॉन का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो कंपेयर टू कैनन थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा आपको, बिकॉज ऑफ न्यू जनरेशन प्रोसेसर एंड सेंसर को यूज किया गया है। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आएगा ना फोटोज में, वो ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा लो लाइट के अंदर। वैसे तो ISO की अगर हम बात करें तो कैनन का ISO बेटर है। कैनन में आपको 100 से लेकर के और 1,24,000 तक का जो ISO देखने को मिलता है रेंज, और निकॉन में जो ISO रेंज देखने को मिलती है वो 100 से लेकर 64,000 के बीच में देखने को मिलती है। दोनों के एक्सपेंडेबल ISO जो है High 1, High 2, High 3 पे जो है 2,48,000 ISO के आसपास परफॉर्म करते हैं। बट दोनों में से अगर मैं बोलूँ तो शायद निकॉन का बेटर लगेगा आपको लो लाइट, बिकॉज ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम हमें देखने को मिल रही है। अब वीडियो फीचर्स की बात करें, फोटो में अगर आप कंटिन्यू शूटिंग की बात करो तो निकॉन जो है वो 20 FPS तक इलेक्ट्रॉनिक शटर पे यूज कर सकता है, और फिजिकल शटर यानी मैकेनिकल शटर पे 14 FPS तक शूट कर सकता है। कैनन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शटर पे 40 FPS तक शूट कर सकता है, और मैकेनिकल शटर पे जो है वो 10 FPS तक शूट कर सकता है। तो दोनों की ही जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी फीचर है ना वो काफी बेटर है। दोनों ही कंटिन्यू शूटिंग में कम हल्का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो निकॉन है वो 6K नाउ 60p तक रिकॉर्ड कर पाएगा, 4K 120p नो क्रॉप, और साथ साथ में फुल HD में 240 फ्रेम पर रिकॉर्ड कर पाएगा। कैनन में हमें 4K जो है 60p और 120p देखने को मिलता है नो क्रॉप, और 180p तक हमें फुल HD वीडियो देखने को मिलता है। तो यस, दोनों ही कैमरास के अपने एडवांटेजेस हैं। कैनन में भी आपको इंट्रा फ्रेम 10-bit रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, 500 Mbps का डेटा रेट आता है। निकॉन में जो है वो आपको डेटा रेट देखने को मिलेगा मल्टीपल, क्योंकि आप प्रोरेस, HQ, प्रोरेस और एन रॉ पे शूट कर सकते हो। तो लगभग 1200 Mbps तक का मैक्सिमम डेटा रेट देखने को मिलेगा, विच इज़ रियली रियली हाई इन टर्म्स ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। दोनों ही कैमराज 14 स्टॉप की डायनामिक रेंज देंगे। फोटो में और वीडियो में दोनों के कैमरा के कलर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप निकॉन और कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं, दोनों में लॉग वीडियो या फ्लैट प्रोफाइल पे शूट करना पसंद करते हैं, कलर्स को लेकर बड़े परेशान हैं वीडियो में, तो मैंने बनाई है अपनी कुछ सिनेमैटिक लट्स, जिनको यूज़ करके आप एक क्लिक में अपनी फुटेज को बटरी स्मूथ सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट कर पाओगे। इनके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाना डाउनलोड करना, प्यार देना मेरी लट को, और यूज़ करना अपनी वेडिंग वीडियोग्राफी के कलर्स को ना बनाना बड़ा सिनेमैटिक। दोनों ही कैमरास मैग्नीशियम अलॉय बॉडी के मिले हैं, मतलब वेदर सीलिंग है। कैनन थोड़ा सा लाइट वेट है, 680 ग्राम का है, निकॉन जो है 760 ग्राम की बॉडी देखने को मिलती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें डिस्प्लेस की, तो कैनन के 3 इंच की डिस्प्ले है जो कि निकॉन के डिस्प्ले के साइज से भी छोटी है, और रेजोल्यूशन वाइज भी कम है। निकॉन का जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हाई है, और 3.2 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। व्यू फाइंडर के क्या बताऊँ मैं आपको, व्यू फाइंडर के कोई कहने नहीं। निकॉन ने Z6 Mark III में ना व्यू फाइंडर में कमाल कर दिया, न्यू OLED व्यू फाइंडर डाला है जिसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस 4000 निट है। अगर मैं कंपेयर करूँ कैनन से, तो कैनन की जो पीक ब्राइटनेस है वो केवल 700 निट्स के आसपास ही है। तो सुपर डुपर ब्राइट हमें जो है वो व्यू फाइंडर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल कैनन में भी काफ़ी अच्छे वीडियो फीचर्स देखने को मिलते हैं, 10-bit आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट येस, निकॉन ने इस बार पूरा माहौल बदल दिया, गेम बदल दिया, समा बना दिया, बिकॉज ऑफ अब जो है वो रॉ 12-bit रॉ भी निकॉन से कर पाओगे। अब हमको ये समझना है कि हमें ये कैमरा लेना है या नहीं लेना है। देखिए, अगर आप एक न्यू यूज़र हो, आप कैनन नहीं चलाते हो, आपके पास कैनन के लेंसेज नहीं हैं, आप कैनन में इन्वेस्टेड नहीं हो, आप अभी नया कैमरा ले रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप एक निकॉन यूज़र हो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है निकॉन लेंसेज में, तो आप ये कैमरा आप आराम से ले सकते हो। आपको किसी भी और अदर ब्रांड में चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि पहले निकॉन यूज़र्स को लगता था कि हमें सोनी में शिफ्ट कर जाना चाहिए या कैनन में शिफ्ट कर जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ फीचर्स नहीं थे निकॉन में उस टाइम पर। बट अब
उन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है भाई लोगों। अब आप निकॉन में शिफ्ट कर लो, Z6 Mark III ले लो, बहुत बढ़िया कैमरा निकाला है कंपनी ने। कैनन से निकॉन में शिफ्ट करना आई डोंट थिंक सो वुड बी अ गुड, अगर आपने RF लेंसेज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपके पास EF लेंसेज हैं वो बेच के शिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी RF लेंसेज को शिफ्ट कर पाना बिकॉज ह्यूजली इन्वेस्ट किया हुआ होगा RF लेंसेज में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू शिफ्ट एट ऑल। बाकी वीडियो फीचर्स में दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, ऑटो फोकस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। निकॉन पुराने यूजर्स को प्रॉब्लम थी Z6 और Z7 वालों को कि यार ऑटो फोकस बहुत स्लो था, नाउ न्यू ऑटो फोकसिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, 273 AF पॉइंट डाले हैं कंपनी ने, और ये सेम ऑटो फोकसिंग सिस्टम है जो Z9 और Z8 में इंट्रोड्यूस किया गया है 3D ट्रैकिंग के साथ में, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ट्रैकिंग व्रैकिंग और हर एक चीज़ को कंटिन्यू फोकसिंग को सपोर्ट करता है। ये फेज और कॉन्ट्रास्ट ऑटो फोकस का कॉम्बिनेशन है, इसे हाइब्रिड फोकस भी बोलते हैं। बाकी इट इज़ ऑल इन ऑल ग्रेट कैमरा फॉर शूटिंग फोटोज एंड वीडियोज, मैं दोनों कैमराज को ही रेकमेंड करूंगा, बट अगर आप ऑफकोर्स नई बॉडी लेना चाह रहे हैं तो Z6 वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू यू। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं दोनों ही कैमराज के, आंख बंद करके अपने हिसाब से एक पिक कर लेना अगर आपको स्पेशली वीडियो में जाना है या फोटो में जाना है, दोनों ही बहुत अच्छे कैमराज हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।